हेलो एंड वेलकम ऑल। इस लेक्चर में हम लोग मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको समझेंगे। मॉडल वर्ब्स 10 होते हैं, देख लीजिए संख्या। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ओट टू, ये हैं 10 मॉडल वर्ब्स। अगर ये किसी सेंटेंस में होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए V1 होता है हमेशा। जब मॉडल वर्ब्स अकेले वर्ब का काम करेंगे तो मॉडल वर्ब्स रहेंगे सेंटेंस में, तो यहाँ पे V1 का प्रयोग करते हैं। मॉडल वर्ब्स के साथ V1 होता है, ये याद रखेंगे आप। अब जब इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने में जो आपने पढ़ा हुआ है जनरल रूल्स, पैसिव वॉइस बनाने का जनरल रूल्स जो लास्ट टू लास्ट वीडियो में था क्या था, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इसी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद V3 लिखते हैं, V3 के बाद बाय लिखते हैं और बाय लिखने के बाद ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। यही 5 था रूल, जो जनरल रूल था। यही जनरल रूल बिल्कुल फिट हो जाएगा पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स का भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए। मतलब सेंटेंसेस जिसमें मॉडल वर्ब्स होगा वहां पे पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम इसी रूल को फिट करेंगे। कैसे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो मॉडल वर्ब्स के केस में हेल्पिंग वर्ब होता है वह मॉडल वर्ब प्लस बी, वह मॉडल वर्ब प्लस बी जो भी रहेगा 10 में से कोई वह प्लस बी, फिर V3 का प्रयोग करते हैं, फिर V3 का बाई और फिर सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। यही रूल है जो भी सेंटेंस मॉडल वर्ब्स को रखता है। मतलब जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तब पैसिव वॉइस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है यह ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे मॉडल वर्ब होता है तो मॉडल वर्ब के साथ साथ एक एक्स्ट्रा बी जुड़ जाता है, V1 हो जाता है V3, V3 के बाद बाई और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। यही है स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। तो अभी हमने देख लिया कि किस रूल से बनता है सेंटेंसेस का जो कि मॉडल वर्ब्स को अपने अंदर रखते हैं। अभी पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर से देख लीजिए। मॉडल वर्ब्स 10 होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ओट टू। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, देखिए। ही विल कट द ट्री, यह ऑब्जेक्ट है, यह वर्ब है, यह हो गया मॉडल वर्ब। विल देखिए, विल और शैल भी मॉडल वर्ब होते हैं। ही तो क्या हो जाएगा, द ट्री आ जाएगा पहले, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। अब इसके अनुसार आ गया, फिर मॉडल वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब तो विल है, विल को ही ला देंगे। अब विल के बाद बी लाते हैं तो बी ला देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब काम हो गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, कट का थर्ड फॉर्म, तो कट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, कट कट कट, तो कट। वी थ्री के बाद बाई डालते हैं, डाल दिया, और फिर ही, तो ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा। इसके बाद दे कैन सेल द हाउस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, द हाउस पहले लिखेंगे, द हाउस कैन है तो कैन के बदला में कर देंगे कैन बी। सेल का होता है सेल, सोल्ड, सोल्ड, तो सोल्ड, सोल्ड के बाद बाई और दे का ऑब्जेक्टिव केस बनाकर डाल देंगे यहाँ पे देम। द डॉक्टर शुड एग्जामिन हिम, अब हिम को नोमिनेटिव केस बनाएंगे ही हो जाएगा, और यहाँ पे शुड लिखा है तो इधर भी रहेगा शुड, शुड के बाद बी एग्जामिन का एग्जामिन्ड और फिर
बाई द डॉक्टर। इसके बाद है दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रॉब्लम शुरू में आ जाएगा, और है कुड है तो कुड बी होगा, सॉल्व का सॉल्वड होता है, और फिर बाई और फिर देम। ही मे डिफीट यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस या नोमिनेटिव केस यू ही होता है, मे है यू मे, तो मे के साथ बी आएगा, फिर डिफीट का डिफीटेड होता है डिफीटेड, और फिर बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस ही, आई वुड हेल्प यू, तो क्या होगा फिर यू का यू ही रहेगा, वुड का वुड रहेगा, बी रहेगा, हेल्प का आप सब जानते हैं थर्ड फॉर्म हेल्प, फिर बाई आई का मी। लेकिन अभी बात करते हैं कि कोई निगेटिव सेंटेंस रहता है मोडल वर्ब के साथ उसका कैसे बनता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका कैसे बनता है। तो जरा देखिए निगेटिव में क्या करेंगे, आप जानते हैं किसी सेंटेंस का निगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डाल देते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर एक से अधिक वर्ड्स का हो तो पहले वर्ड के बाद नॉट डालते हैं। तो जरा बिना नॉट का इसको बनाते हैं, पहले क्या करेंगे, यू मस्ट हेल्प हिम, नॉट नहीं पढ़ा हमने, यू मस्ट हेल्प हिम, तो क्या बनेगा, ही मस्ट बी हेल्प्ड बाई यू। अब नॉट है तो नॉट डालेंगे सेंटेंस में कहाँ पे, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद, दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले वर्ड के बाद डालते हैं, एक वर्ड का हो तो पहले वर्ड के बाद डालते हैं, तीन का हो तभी पहले वर्ड के बाद डालते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ही मस्ट नॉट बी हेल्प्ड बाई यू। ऐसे ही आई कुड नॉट बीट हर, तो यहाँ पर हो जाएगा शी, कुड है तो कुड, नॉट है तो नॉट डालना पड़ेगा, बी रखना ही पड़ेगा, बीट 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 बीटेन होता है, और फिर बाई मी ऐसे होगा। अब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, क्वेश्चन मार्क वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनता है, तो पहले आप इसको सिंपल बना लीजिए, दे मे डिफीट यू मान लिया हमने, तो क्या होगा, दे मे डिफीट अस तो होगा वी मे बी डिफीटेड बाय देम। अब देखिए जो सिंपल होता है अफर्मेटिव होता है उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देना से निगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है, इसका भी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देते हैं, मे को निकालेंगे, बी जहां है वहां छोड़ देंगे और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, बन गया। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होता है उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ड के पहले वर्ड को बाहर निकाल दीजिए, बाकी को उसी सीक्वेंस में रखिए, बन जाएगा। जैसे कैन यू डू इट, अब यहाँ पे क्या करेगा, कैन है तो कैन तो रखना पड़ेगा यहाँ पे, कैन, और फिर है कैन ईट आ जाएगा, और फिर बी आ जाएगा डू का, डन बाई यू, कैन इट बी, कैन यू डू इट तो कैन इट बी डन बाई यू। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कुड है तो कुड भी यहाँ भी पहले आ जाएगा, फिर द लायन आ जाएगा सब्जेक्ट बनकर द लायन, कुड है तो बी आएगा, किल है तो किल्ड हो जाएगा, बाई होगा और ही का हिम हो जाएगा, तो कुड ही किल द लायन, क्या वो लायन को किल किया, नहीं कर सका, क्या वो लायन को किल कर सका, तो यहाँ पे होगा क्या लायन को उसके द्वारा किल किया गया किया जा सका, इस तरह का हो जाएगा, कुड पहले आ जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इस तरह से जो सेंटेंस मॉडल वर्ब्स को अपने साथ रखते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे हम, जिसका स्ट्रक्चर होता है मॉडल वर्ब प्लस वी वन, ऐसे का पैसिव वॉइस बनाने का रूल मॉडल वर्ब के साथ बी हेल्पिंग वर्ब जोड़कर बना देते हैं। इंट्रोगेटिव होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर, निगेटिव होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।